Welcome to SG Inception's your aquarium channel. I am at India's largest aquarium fish store. तो ये इंडिया का लार्जेस्ट एक्वेरियम फिश स्टोर है. इसके पीछे कुछ बड़े रीजंस हैं इसके लिए ये लार्जेस्ट एक्वेरियम फिश स्टोर है, क्योंकि AMart Aquatic World के पास पूरे इंडिया में सबसे ज़्यादा क्वारंटाइन फिश स्टेशंस है. इसके अलावा इनके पास सबसे ज़्यादा IBC के बड़े बड़े टैंक्स हैं, एंड इनके पास अलग अलग फ्रेश वाटर फिश के सेक्शंस हैं जो फैले हैं बहुत बड़ी स्पेस में, जो पूरे इंडिया में शायद ही कहीं पे होंगे. तो आज के इस वीडियो में काफ़ी स्पेशल वीडियो आज का भी, क्योंकि इसके अंदर मैं आपको इंडिया का सबसे बड़ा क्वारंटाइन फिश स्टेशंस दिखाने वाला हूँ. इतने क्वारंटाइन फिश स्टेशंस पूरे इंडिया में कोई भी एक्वेरियम फिश स्टोर के पास नहीं है. और ये क्वारंटाइन फिश स्टेशंस की एंट्री रेस्ट्रिक्टेड होती है. मैंने खास AMart Aquatic World के ओनर से परमिशन लिए आप सभी को ये क्वारंटाइन फिश स्टेशंस दिखाने के लिए. सो थैंक यू मिस्टर लूच फर्नांडिस सर फॉर अलाउविंग मी टू शो दिस टू ऑल आवर व्यूअर्स. तो यहाँ पे इन क्वारंटाइन स्टेशंस को आज हम देखेंगे. सो मेक श्योर यू स्टे ट्यून टिल द एंड ऑफ द वीडियो. काफ़ी मज़ेदार फिशेस हम देखने वाले. सो दिस इज़ द एंट्रेंस और अब हम देखने वाले हैं क्वारंटाइन स्टेशन. यहाँ पे आप इस डोर के ऊपर देख सकते हो ये बोर्ड, यहाँ पे लिखा है ऑर्नामेंटल लाइव फिशेस क्वारंटाइन स्टेशन. और ठीक यहाँ पे साइड में आप इस ग्लास पे एक नोटिस देख सकते हो, एडमिशन टू क्वारंटाइन स्टेशन रिजर्व. यानी इस स्टेशन के अंदर खाली AMart के ऑथोराइज्ड पर्सन्स को ही एंट्री दी जाती है. तो ये स्टेशन आज हम देखने वाले हैं, इसके अंदर के जो क्वारंटाइन फिशेज है वो देखने वाले हैं. सो राइट नाउ हियर इज विद अस द हेड मैनेजर ऑफ AMart Aquatic World मिस्टर जयवंत. हेलो जय भाई, कैसे हो आप? एकदम मजे में, आप कैसे हो? जी बहुत बढ़िया. तो जय भाई, आज का ये जो वीडियो है काफ़ी अलग वीडियो है, डिफरेंट वीडियो है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि किसी ने कहीं पे भी एक वीडियो में क्वारंटाइन स्टेशन दिखाया रहेगा. और पूरे इंडिया में ओनली AMart हैज द लार्जेस्ट क्वारंटाइन फिश स्टेशंस. अंदर जाने से पहले कुछ बोलना चाहोगे, बताना चाहोगे हमारे व्यूअर्स को इसके बारे में? एक्चुअली ये हमारे क्वारंटाइन स्टेशन है जहाँ पे हमारे पूरे फिश क्वारंटाइन होते हैं. ओके. जो कि बाहर से आने के बाद उसमें कोई डिसीज होता है या कुछ बैड बैक्टीरिया रहते हैं तो वो हम लोग यहाँ पे मेडिकेट करके वो उनको रिलीज कर देते हैं और फिशेज को हेल्दी बना देते हैं. तो ये जगह ऐसी कि यहाँ पे जाने से पहले हमें भी हैंड वॉश करके और पोटेशियम में पर धो के हमें अंदर एंटर करना है. ओके. तो यहाँ पे हम लोग किसी को और को एंट्री नहीं देते, सिर्फ AMart के जो ऑथोराइज पर्सन है उनको यहाँ पे एंट्री है. ओके. आज पहली बार मैं आपको लेके जा रहा हूँ. जी जी जी, फर्स्ट टाइम मैं जा रहा हूँ और काफी उत्सुक हूँ अंदर जाने में. और अंदर जाने के बाद मुझे जय भाई से पता चला कि एक प्रोटोकॉल फॉलो करना पड़ता है, एक प्रोसीजर रहती है फिशेस को देखने के लिए, राइट जय भाई, जो हम व्यूअर्स को भी दिखाएंगे. ओके. तो काफ़ी उत्सुक है, एंड आई होप कि हमारे व्यूअर्स भी काफ़ी एक्साइटेड होंगे ये स्टेशंस देखने के लिए. एंड जय भाई, ये जो फिशेस जो होती है इनको आप मतलब सेलिंग के पहले इसके अंदर क्वारंटाइन करके हेल्दी करके सेल करते हो? यस. इसके अंदर हम लोग इसे क्वारंटाइन करते हैं. इसका जो मतलब हमारा स्टॉक जो आता है वो कभी भी ज़्यादा क्वांटिटी में आता है, तो वो स्टॉक हम लोग हमारे यहाँ पे कुछ सेक्शन है जहाँ पे IBC टैंक लगे हुए हैं जिसका वाटर कैपेसिटी बहुत बड़ा है. ओके. तो वो जो एक्स्ट्रा स्टॉक रहता है हम लोग उसमें डालते हैं, जो सेलिंग के लिए स्टॉक रेडी है वो हम लोग शो टैंक में डालते हैं फर्स्ट फ्लोर पे, और इस तरह से हम लोग हेल्दी फिशेस कस्टमर तक पहुँचे. ऑलराइट. सो विथ योर परमिशन जय भाई, कैन वी प्रोसीड इनसाइड? जी. तो अब हम एंटर कर रहे हैं ये क्वारंटाइन फिश स्टेशन. दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम एंटरिंग, एंड कैसा होता है, कैसे इसमें अंदर फिशेस रखे जाते हैं मुझे कुछ पता नहीं है. यहाँ पे हम लोगों ने SOP दिया हुआ है जैसे कैसे हम लोग यहाँ पे वाटर डीक्लोरिनेट करते हैं. जी 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 जी. पानी में क्या क्या हम लोग यूज करते हैं डीक्लोरिनेट के लिए और फिशेस को कैसे हम लोग क्वारंटाइन करते हैं. तो आगे जय भाई, मुझे नहीं लगता पूरे इंडिया में कोई, इतने तो फिश स्टेशंस किसी के पास नहीं है, बट इतने सारे जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं क्वारंटाइन के रिगार्डिंग वो कोई नहीं फॉलो करता रहेगा. आई एम श्योर अबाउट दैट, एंड आई एम वेरी हैप्पी कि AMart इतने बड़े स्केल पे इतने अच्छे वे में ये सब कर रहा है. आई एम वेरी हैप्पी टू नो अबाउट दैट, एंड आई एम वेरी हैप्पी कि मेरा चैनल आपके साथ कनेक्टेड है इसके लिए. सो अब ये एक कर्टन्स है यहाँ पे, और उसके बाद अब हम आगे जाने वाले हैं. जी. ये हम लोग जाने से पहले यहाँ पे कुछ प्रोसीजर है. जी जी. ऑलराइट.
आपको भी हाथ धो लेना चाहिए। जी जी श्योर, मैं भी मेरे हाथ धो लेता हूँ। ऑलराइट, और यहाँ पे जब मैं कुछ देख सकता हूँ क्या है ये पोटेशियम परमैंगनेट है। अच्छा, जैसे हम लोग एंटर करने से पहले पोटेशियम परमैंगनेट में इस तरह से एंटर करते हैं। ओके, और ये बैक्टीरियल होके ओके, इसके बाद हमारी ये पोटेशियम परमैंगनेट से निकाली हुई चप्पल स्लीपर्स ओके स्लीपर्स वो पहन के ओके, मतलब हर एक इंसान अंदर आने के बाद अपने हाथ सैनिटाइज करेगा और ये पोटेशियम परमैंगनेट पानी के अंदर अपने पाँव धोएगा और फिर सेपरेट स्लीपर्स पहन के अंदर जाएगा। राइट जय भाई, ओके। सो हम एंटर कर चुके हैं फाइनली अंदर, और जय भाई इसके अंदर ये सारे क्वारंटाइन स्टेशन से आपके शिपमेंट आते हैं, कुछ शॉर्ट में बताना चाहोगे फिशेस देखने से पहले? जैसे हमारे अलग अलग फिशेस अलग अलग शिपमेंट में आते हैं, तो वो सब फिशेस हम लोग ये अलग अलग क्वारंटाइन स्टेशन में रखते हैं। जैसे एक शिपमेंट का जो भी स्टॉक आता है हम लोग एक क्वारंटाइन स्टेशन में रख देते हैं। तो हम लोग जितने भी हमारे मतलब हमारे पास तो यहाँ पे ऑलमोस्ट बहुत सारे क्वारंटाइन स्टेशन है आपने देखा, तो हर बार हम लोग जब भी शिपमेंट लाते तो हर एक क्वारंटाइन स्टेशन बिजी हो जाता है जब तक वो फिश क्वारंटाइन नहीं हो पाते। तो इस तरह से हम लोग महीने में लगभग हमारे 200-300 बॉक्स आ जाते हैं क्वारंटाइन। 200-300 बॉक्स? हाँ, और हमारे फिशेस उतना इम्पोर्ट भी उतना ज़्यादा अच्छा, है अच्छा, इसलिए हमारा इम्पोर्ट चालू रहता है, तो हिसाब से इतने ज़्यादा क्वारंटाइन स्टेशन हमको रखने। आई थिंक इतने बड़े स्केल पे कोई भी पूरे इंडिया में नहीं करता रहेगा। हाँ, क्वारंटाइन स्टेशन और इतना फ्रीक्वेंटली इंपोर्ट्स जी कोई करता रहेगा। राइट, वी आर द बिगेस्ट इंपोर्टर। राइट, बिगेस्ट एंड द ओनली इंपोर्टर इफ आई एम नॉट रॉन्ग ऑफ एक्वेरियम फिश, है ना जय भाई? ओके, तो कौन सा क्या दिखाना चाहेंगे अभी इसके बाद? देखो, अभी यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा, जैसे ये लिखा हुआ है क्वारंटाइन स्टेशन 1। जी जी, इसके बाद आप देखोगे यहाँ पे कुछ एक शिपमेंट के फिशेस रहेंगे। जी जी, जैसे क्वारंटाइन स्टेशन। जी जी, यहाँ पे एक शिपमेंट के। जी जी, क्वारंटाइन नंबर 3 है। जी जी, और यहाँ पे हम देख सकते हैं पूरे सेक्शंस की अलग अलग स्टेशंस के। और जय भाई, और एक स्टेशन है आपके पास वहाँ पे? नहीं, ये जो हमारे क्वारंटाइन स्टेशन है यहाँ पे दूसरे हमारे जो प्रीवियस जो हम पहले कवर करते थे, पहले कवर कर चुके हैं। जी जी जी, तो टोटल बहुत सारे क्वारंटाइन स्टेशन मेरे ख्याल से। जी जी जी, इतने तो मैं पहली बार मैंने देखा हूँ कि इतने क्वारंटाइन स्टेशन होते हैं। एक्चुअली ये ज़रूरी है क्वारंटाइन स्टेशन इतने रखना, क्योंकि अगर हम लोग इतने बड़े स्केल पे इम्पोर्ट कर रहे हैं, फ्रीक्वेंटली इम्पोर्ट हो रहा है, तो वो फिशेज उतने क्वारंटाइन भी थोड़ी ज़रूरी है, इसलिए हम लोगों ने इतनी क्वारंटाइन स्टेशन अप्रोच किए। ओके, और भी द सेक्शंस है यहाँ पे आप देख सकते हो। एक्चुअली इसके अंदर जाना मना है। जी जी जी, जी जी जी, बस यहाँ पे सिलेक्टेड जो हमारे वर्कर्स हैं, जी जी जी, ऑथोराइज एमार्ट के, वही यहाँ पे एंटर करते हैं। ओके, तो और काफ़ी सारा अंदर से जी 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 जी, काफ़ी सारा फिश स्टॉक दिख रहा है मुझे यहाँ से, हम बाहर से देख सकते हैं काफ़ी सारे फिशेस दिख रहे हैं। तो जो रेडी फिशेस है वो मैं आपको श्योर श्योर अगले सेक्शन में। जी 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 जी, तो आप बने रहिएगा क्योंकि हम थोड़े बहुत फिशेस आपको ज़रूर दिखाएंगे, क्योंकि हमारे व्यूवर्स को फिशेस देखे बना वीडियो में मज़ा नहीं आएगा। थैंक यू। पहली वाली फिश टैंक हम देख रहे हैं, कुछ फिश वैरायटीज हम आपको दिखा रहे हैं। जय भाई, कौन से फिशेस है ये? ये टाइगर ऑस्कर है। टाइगर ऑस्कर? हाँ। अच्छा, क्या साइज के है भाई ये? ये है लगभग 4-5 इंच तक। ऑलराइट, और कुछ वैरायटीज देख सकते हैं जय भाई? हाँ जरूर। ओके, नेक्स्ट वैरायटी है यहाँ पे जय भाई, कौन से पैरट्स है? ये है बोनसाई रेड पैरट। बोनसाई रेड पैरट, इनका आप शेप देखोगे तो थोड़ा ऐसा बलून जैसा है। अच्छा, ये इनको बोनसाई रेड पैरट। और भाई ये काफी ब्राइट रेड है। यस, इनके कलर जो है एकदम ब्राइट है, क्योंकि इनका ये नेचुरल कलर है। ओके, यहाँ पे आप एक झुंड में घूमने वाली फिश देख रहे हो जो साथ में तैर रही है, इसलिए काफी अच्छी लग रही है, स्कूलिंग ऑफ फिश का नजारा दे रही है। तो जय भाई, कौन सी है इस फिश का नाम, क्या फिश का नाम है? यह गोल्डन रेडटेल प्लैटी। गोल्डन रेडटेल प्लैटी? अच्छा, टेल गोल्डन रेड है इसलिए इसका नाम, बॉडी गोल्डन और टेल रेड है इसलिए नाम पड़ा है। ओके, ये कितनी बड़ी होती है भाई? ये होती है लगभग 2.5 इंच तक, 2.5 इंच, 2.5 से 3 इंच भी होती है। ओके ठीक, नेक्स्ट टैंक में यहाँ पे ये कौन सी फिश है भाई? ये हाइफिन गोल्डन मोनी।
हाइफिन ओके, ये फिन देख सकते हैं हम इनकी डॉर्सल फिन जो काफ़ी इरेक्ट लॉन्ग है, इसलिए भाई इनका नाम पड़ा है। यस यस। अच्छा और में है ये। अच्छा और कितनी बड़ी होती है अभी, क्या साइज है इसकी? ये ऑलमोस्ट बड़ी साइज है, 3 इंच तक बढ़ती है। 3 इंच तक ओके। और कॉमन मॉलिश के साथ रख सकते हैं हम इनको? हाँ कॉमन मॉलिश के साथ रख सकते हैं। ओके अगली वैरायटी है भाई, क्या नाम है? यह हाइफिन रेडटेल प्लैटी है। हाइफिन रेडटेल प्लैटी। यस ओके। इनका ऊपर का फिन देखोगे आप तो बड़ा है। जी जी जी। और बॉडी के ऊपर, स्केल के ऊपर ब्लैक ब्लैक स्पॉट्स हैं। अच्छा भाई इनको फूड कौन सा दे अगर देना है तो? इनको हम लोग ड्राई क्रश फूड देते हैं। ओके नेक्स्ट फिश हम कवर कर रहे हैं, तो जय भाई ये पैरेट की कोई तो अलग सी वैरायटी दिख रही है, क्या नाम है इस वैरायटी का? ये येलो टाइगर पैरेट है। ऐसा क्यों नाम पड़ा है भाई इनको? इनके ऊपर जो ब्लैक लाइन आया हुआ है, अच्छा, इसके वजह से इनका नाम येलो टाइगर पैरेट है। येलो टाइगर पैरेट। बहुत बड़ी साइज है, क्या बताना चाहेंगे साइज? ऑलमोस्ट 5 इंच की साइज है। 5 इंच की। ओके तो थैंक यू सो मच जय भाई, आज का वीडियो काफ़ी अच्छा था और मुझे नहीं लगता कि हमारे व्यूवर्स ने इससे पहले कोई क्वारंटाइन स्टेशन फिश स्टोर के अंदर देखे रहेगा, और एमार्ट में तो काफ़ी ज़्यादा क्वारंटाइन फिश स्टेशन है। थैंक यू सो मच वंस अगेन। आपका अगर आपको किसको कांटेक्ट करना है तो आपके कॉल के, आपके नंबर के ऊपर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। जी थैंक यू वेरी मच। ओके एक्चुअली आपने ये बात ऑब्वियसली पहुंचाई कि फिशेस को भी क्वारंटाइन करना पड़ता जी, है। जी जी जी। फिशेस क्वारंटाइन करने के बाद ही वो अच्छी तरह से सर्वाइव कर सकती है, अदरवाइज आप किसी भी लोकल स्टोर से लेते हो तो वो फिशेस विदाउट क्वारंटाइन अगर हो जी, तो जी, वो फिशेस मर जाती है जी, 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 तो ये रीजन होता है कि वेल क्वारंटाइन फिशेस और विदाउट क्वारंटाइन फिशेस। जी जी ओके जय भाई थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। So this was today's video about the quarantine fish stations at AMart Aquatic World. I hope कि आपको ये वीडियो देख के मज़ा आया रहेगा, क्योंकि मुझे ही काफ़ी मज़ा आया ये फिशेज़ देखने के लिए, इनके क्वारंटाइन स्टेशंस देखने में। और हम AMart Aquatic World के और भी सारे फिश वीडियोज़ लेके आने वाले। इनके पास इंडिया के सबसे बड़े IBC टैंक्स है जिसके अंदर ये फिश को स्टोर करके रखते हैं। दे हैव द लार्जेस्ट फिश स्टोरेज इन इंडिया, जो आगे आने वाला है वीडियो, तो उसके लिए भी बने रहिएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया रहेगा तो मेक श्योर यू हिट द थम्स अप बटन एंड स्टे ट्यून्ड टू वॉच सम मोर अपकमिंग इंटरेस्टिंग वीडियोज कमिंग सून एज़ इंसेप्शन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ वंडरफुल डे अहेड।